गुड इवनिंग ऑल। आज वन वर्ष सब्स्टिट्यूशन में हम 5 वर्ष को देखेंगे। 131 से लेकर के 135 तक 5 वर्ष होंगे। पहला होगा पेडेस्टियन, प्रोनाउंसिएशन ने यहाँ पे लिख दिया है। दूसरा होगा पेसिमिस्ट, तीसरा फिलान्थ्रोपिस्ट, चौथा पोलीगैमी और पांचवा पोलीगन। तो इस तरह से जो पहला वर्ड है पेडेस्ट्रियन, हिंदी होती है पैदल यात्री। इसके लिए ग्रुप ऑफ वर्ड्स है वन हु गोज ऑन फुट। ऑन फुट की हिंदी होती है पैदल, वह जो पैदल जाता है उसे बोलते हैं पेडेस्ट्रियन, पैदल यात्री। दूसरा है पेसिमिस्ट, पेसिमिस्ट की हिंदी होती है निराशावादी, निराशावादी। वन हु लुक्स एट द डार्क साइड ऑफ थिंग्स, जो चीजों के डार्क साइड मतलब विपरीत पक्ष में देखता है, निगेटिव पक्ष में देखता है, उसे बोलते हैं पेसिमिस्ट। वह जो देखता है थिंग्स के निगेटिव साइड में, विपरीत पक्षों में देखता है। इसका उल्टा होता है ऑप्टिमिस्ट, हमने पहले बता दिया है इसको, ऑप्टिमिस्ट। ऑप्टिमिस्ट की हिंदी होती है आशावादी, जो थिंग्स के ब्राइट साइड में देखता है। जो यहाँ पे ग्रुप ऑफ वर्ड्स है इसमें डार्क जगह पे ब्राइट हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? वन हु लुक्स एट द ब्राइट साइड ऑफ थिंग्स कहेंगे हम ऑप्टिमिस्ट, आशावादी। वही अगर वन हु लुक्स एट द डार्क साइड ऑफ थिंग्स उसे कहेंगे पेसिमिस्ट, मतलब निराशावादी, निराशा की बात करता है। फिर इसके बाद थर्ड वर्ड है फिलान्थ्रोपिस्ट, हिंदी होती है परोपकारी, दूसरों को उपकार करने वाले को बोलते हैं परोपकारी, फिलान्थ्रोपिस्ट। देखिए, वन हु लव्स एंड वर्क्स फॉर हिज फेलो मैन, फेलो मैन मतलब साथी। तो वह जो प्यार करता है और कार्य करता है अपने साथियों के लिए उसे बोलते हैं परोपकारी, फिलान्थ्रोपिस्ट। द नेक्स्ट वर्ड इज पॉलीगैमी, पॉलीगैमी मतलब बहु बहु पत्नीत्व। बहु पत्नीत्व का मतलब होता है एक से अधिक पत्नी रखना एक ही समय में, सेम टाइम में। किसी का जब एक से अधिक पत्नी होती है तो उस अवस्था को बोलते हैं, उस प्रथा को बोलते हैं, उस प्रैक्टिस को बोलते हैं बहुपत्नित्व, पॉलीगैमी। इंग्लिश पढ़ देता हूं, द प्रैक्टिस ऑफ हैविंग मोर देन वन वाइफ एट द सेम टाइम, पॉलीगैमी। अब ऐसा भी हो सकता है ना कि बहुपत्नित्व है तो बहुपतित्व भी होता होगा, डेफिनेटली होता है, बहुपतित्व भी होता है। और इसके लिए ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो जाएगा द प्रैक्टिस ऑफ हैविंग मोर देन वन हस्बैंड एट द सेम टाइम, बोलते हैं इसको हिंदी में बहुपतित्व, और हिंदी होती है इसकी पोली एंड्री, ANDRY, पोली एंड्री। बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों, पोलीगैमी, पोली एंड्री। पेसिमिस्ट भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऑप्टिमिस्ट के वक्त ही बोला था कि ऑप्टिमिस्ट का उल्टा पेसिमिस्ट होता है। इसका इंपॉर्टेंस को देखते ही दोबारा इसको यहाँ पे लाया है। तो इस तरह से फोर्थ वर्ड हो चुका है। फिफ्थ वर्ड है अ मेनी साइडेड फिगर, फिगर मतलब चित्र, चित्र आप जानते हैं मैथमेटिक्स में फिगर बनाते हैं आप। साइड मतलब मैथमेटिक्स में क्या होती है? भुजा। मेनी मतलब अनेक, तो अनेक भुजाओं का चित्र क्या कहलाता है? पॉलीगन कहलाता है, बहुभुज कहलाता है। हिंदी से बहुत, अनेक मतलब बहुत, भुजाओं का चित्र तो बहुत बहुभुज पॉलीगन कहलाता है। तो इस तरह से पॉलीगन के बारे में थोड़ा और देखते हैं विस्तार से। तो जिस पॉलीगन 3 भुजाएं होती है उसे बोलते हैं ट्रायंगल, जिसकी 4 होती है उसे बोलते हैं क्वाड्रिलेटरल। आप क्वाड्रिलेटरल का स्पेलिंग जरूर ध्यान रखिएगा, मिस स्पेल्ड में स्पेलिंग पूछा जाता है बार बार। फिर 5 भुजाओं की होती है पेंटागन, 6 के लिए हेक्सागन, 7 के लिए हेप्टागन, 8 के लिए ऑक्टागन, 9 के लिए नोनागन और 10 के लिए डेकागन। एक गन तो सब में रहेगा, लेकिन आप याद रखेंगे ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल, पेंटागन, हेक्सागन, हेप्टागन, ऑक्टागन, नोनागन और डेकागन। तो आज जो 5 वर्ड्स पढ़ा उनमें पहला था पेडेस्ट्रियन, पैदल यात्री, वन हु गोस ऑन फुट। दूसरा पेसिमिस्ट, निराशावादी, वन हु लुक्स एट द डार्क साइड ऑफ थिंग्स, इसका अपोजिट ऑप्टिमिस्ट, आशावादी, याद रखेंगे। फिलान्थ्रोपिस्ट, परोपकारी, वन हु लव्स एंड वर्क्स फॉर हिज फेलो मैन। फोर्थ वन इज पॉलीगैमी, बहुपत्नित्व, द प्रैक्टिस ऑफ हैविंग वन मोर देन वन वाइफ एट द सेम टाइम।
इसका उल्टा पॉलीएंड्री याद रखेंगे। फिर है पॉलीगन बहुभुज, अ मेनी साइडेड फिगर, इसको बोलते हैं पॉलीगन बहुभुज।